तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सुनील कुमार, देहरादून उत्तराखंड से एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का, ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों आप को आज इस प्लांट के बारे में बताते हैं। वैसे अगर आपने देखा हो या ना देखा हो तो देखिए कैसे इसके मखमल निकल रहे हैं। तो शायद इसीलिए इसको मखमली प्लांट या वेलवेट प्लांट कहा जाता है। तो चलिए करते हैं आज इसी की बात की, आप इसकी केयर और इसकी कटिंग आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर इसकी कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से छोटे बच्चे भी इसकी कटिंग को लगा लेंगे और ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मखमली प्लांट की। तो ये जो हमारा है ये वेलवेट का प्लांट है और इसे आप छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे गमले में लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर नहीं मांगता, इवन जिनके पास गार्डनिंग के लिए करने का टाइम ना हो, गार्डनिंग करने का टाइम ना हो, उन लोगों के लिए एक बेस्ट प्लांट है ये। और जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो देख लीजिए आप कितनी ज़बरदस्त है, और 6 महीने में इसकी ग्रोथ इतनी आ गई है। और अगर पानी की बात करेंगे तो आप इसे केवल अगर 10 दिन में आप इसे 1 गिलास पानी भी डाल देंगे गमले में तो भी ये चल जाता है। खाद पानी बिल्कुल लिमिटेड चाहिए, और जो ये फूल करता है वो इस टाइप से करता है, लगातार करता रहता है। और साथ में जब फूल नहीं रहते तो इसके पत्ते इस टाइप के रहते हैं, जो देखने में आपको ऐसा लगता है कि पत्तों के ऊपर कहीं से कोई रुई आके बैठ गई हो। तो चलिए करते हैं इसकी बात। तो ये देखिए, एक तो ये शेड लविंग प्लांट है जिसे आप शेड में रख सकते हैं, और मैंने भी शेड में रखा था। तो अभी थोड़ा पानी के लिए इसे बाहर निकाला है, तो फिर बोला कि सोचा कि चलिए आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी भी दे देते हैं। तो दोस्तों आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है ये प्लांट बाहर नहीं होगा, आप बाहर भी इसको लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको शेडी एरिया हो, पेड़ के छाँव के नीचे इस टाइप की जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। मगर बाहर लगाने का नतीजा ये होता है कि इसके जो मखमल है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए इसमें मखमल ही नहीं है। तो जब शेड के नीचे रहता है तब इसके मखमल रहते हैं। और ख़ासकर जब भी ध्यान रखिए कि इसकी दो वैरायटियां आती है जो मेरे पास है, एक ये आपको सफ़ेद वेलवेट कहते हैं इसको, वाइट वेलवेट, और दूसरा आता है ब्लैक वेलवेट। तो काले कलर का रहता है, मेरे पास दोनों है, मगर क्योंकि मैं काम इस पे कर रहा था तो चलिए आपको इसी के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जब भी आप प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं ना, तो इसकी आप कोई भी एक शाखा काट लीजिए, जैसे कहीं से भी काट लीजिए, प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ईजीली कट जाता है। ये देखिए काट लाना हमने इसे, और इसके आप कर लीजिए छोटे छोटे पीस। और जो आपका गमला रहे वो गमले में जो सोइल होनी चाहिए वो आपकी उसमें रेत और नीचे के पत्तों को छीट दीजिए, और केवल आपने इतना ही करना है। केवल आपने इसमें इतना ही करना है, और इसे रख दीजिए आप किसी शेडी एरिया में, और इवन ये 6 से 7 दिन के अंदर ग्रो हो जाएगा। और पहले बोल चुका हूँ, आज पानी दे दीजिए इसको, और जो अगला पानी देंगे हम इसे वो रहेगा 10 दिन के बाद, थोड़ा सा पानी। और जो बाद में प्लांट जब फैल जाएगा आप इसे
जब प्लांट की ग्रोथ आ जाएगी तब आप इसे बड़े पॉट में ले लीजिए और रख दीजिए इसे रोशनी वाली जगह पे, खासकर बरांडो वगैरह में या खिड़की में रखिए, जिससे इसे धूप ना मिले मगर धूप की रोशनी ज़रूर मिले, क्योंकि अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाते हैं और प्लांट मर जाता है। और साथ में खाद का जो प्रोसेस है, आप इसे कोई भी खाद दे सकते हैं, केवल आप इसे सरसों की खल्ली या सरसों की खल्ली का पानी ना दें, उससे इसके रूटिंग एकदम सड़ जाते हैं और प्लांट जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे करके करेंगे तो वेलवेट प्लांट आपको सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और देखभाल भी ज़्यादा नहीं मांगता प्लांट। जिनके पास बिल्कुल टाइम ना हो गार्डनिंग के लिए, वो इस प्लांट को लगा सकते हैं। और फिलहाल मुझे कोई याद कर रहा है, जिसकी वजह से हिचकी लगातार शुरू हो गई है मेरी, तो फिलहाल मैं इस प्लांट में काम कर लेता हूँ अपने, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।